परिस्थितियाँ और पैसे की बात तो बाद में होती है, पहले आपके अंदर जुनून होना चाहिए। स्पोर्ट्स में ऐसा है, जो हार जाता है वो हार ही जाता है, और जो विल पावर से लड़ जाता है, जीत जाता है, वो जीत ही जाता है। आने वाले टाइम में जैसे खास करके जो रियो पैरालंपिक्स है, उसमें मैं मानता हूँ हमारे 5 या 6 मेडल तो 100% आएंगे। राष्ट्रगान बजता है, आप उस टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो कैसे बताऊँ, वो नहीं बता सकता मैं। तो आज जो घरों में बैठे लोग हैं वो निकल के बाहर आए, लेके आए बच्चों को। धनखड़ धनखड़ हमारे फौज का आदमी है जिसकी टांग कटी है, अभी उसको पार्टिसिपेशन करवाया और उसने वर्ल्ड में 4th पोजिशन पर, आज के दिन 4th रैंक है उसका वर्ल्ड में, और वो भी ओलंपिक में जा रहा है। न जाने कितने धनखड़ हमारे हिंदुस्तान में इस प्रकार से बैठे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड 70 तक बना हुआ है और आगे जाना है। वी लव द स्पोर्ट्स, खेलो, थोड़ा सा अपने लिए खेलो। नॉर्मल एथलेट्स कैन नॉट डू व्हाट पैरा एथलेट्स कैन डू। डिसेबल वो है जो कुछ करना ही नहीं चाहता है। मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छा करूंगा। वर्ल्ड लग जाए तो सब देश का नाम रोशन हो जाएगा। आई नेवर थिंक आई एम डिसेबल्ड इन माय माइंड। हम आगे जा सकते हैं, आने वाला टाइम मेरा होगा। आने वाले और भी 2-4 सालों में इस तरह से जो डिसेबल एथलीट हैं उनकी प्रयास और उनकी ट्रेनिंग और उनकी मेहनत को देखते हुए मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली हम बहुत ऊपर जाएंगे और आगे तरक्की करेंगे। ऑल कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स अवेलेबल है, आप जाइए, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए। कुछ नहीं तो मैं करूँगा कि गांधीनगर में मेल पे मुझे ढूंढ लीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा। यदि आपको खेल खेलना है तो उसके लिए एबल डिसेबल नहीं देखा जाता। जिसके दिल में मेहनत करने की है चाहत, वो आदमी खिलाड़ी बन सकता है, मेरा ये मानना है।